हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज का वीडियो जो है हमारा पूरा हिंदी में रहने वाला है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर एंड कैसे हम एक टीपी एचएमआई हो या फिर केटीपी कंफर्ट एचएमआई इन सीमेंस हो, वो उसको कैसे हम एडमिनिस्ट्रेटर एंड पासवर्ड कैसे देते हैं टू डू द वेरियस ऑपरेशन। सो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टार्ट पुश बटन, स्टॉप पुश बटन, ये सब बहुत इजीली एक्सेसिबल है, करेक्ट? तो जैसे कि आपको पता है, जो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उनको पता रहेगा, जैसे कि ये स्टार्ट पुश बटन मैं आया, आज का मेरा प्रोजेक्ट चालू है और मुझे आके एक मोटर को ऑन करनी है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे स्टार्ट कर पा रहा हूँ। बट ये कोई भी एरा गैरा आदमी आके कर सकता है। बट इसके लिए हमको क्या कर सकते हैं, ये स्टार्ट पुश बटन के लिए हम एक पासवर्ड दे सकते हैं कि नहीं, ओनली ऑपरेटर कैन एक्सेस दैट पुश बटन, तो ये हम कर सकते हैं। वैसा ही अभी हमारा जैसे कि ये अप डाउन काउंटर है, ये जैसे कि लेट से नंबर ऑफ टाइम, पूरा दिन में कितना नंबर ऑफ टाइम हमारा मोटर ऑन हुआ, क्या हुआ, ये देख सकते हैं। जब बट हम क्या कर रहे हैं, इधर काउंटर रिसेट कर देते हैं, हमारा एक काउंटर रिसेट हो जा रहा है। ऐसे में क्या हो रहा है, मैनेजर को पता नहीं चल पाएगा कि कितना बार ऑन ऑफ हुआ है बटन, मतलब अपना मोटर हो या फिर कोई प्रोडक्ट काउंट हो गया, कितना प्रोडक्शन हुआ है। लेट से प्रोडक्शन आपको 1400-1500 डब्बा प्रोडक्शन हुआ है, या फिर 1400-1500 प्रोडक्ट तुम्हारा आउटपुट निकला है, एंड ऑपरेटर क्या किया कि डायरेक्ट काउंटर रिसेट कर दिया, तो ये रिसेट हो जाता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं कि मेंटेनेंस के थ्रू उसको लॉक करा सकते हैं कि नहीं भाई, खाली मेंटेनेंस पर्सन ही इसको खोल सकता है। तो ऐसे चीज़ें कैसे हम, ये जो डिफरेंट डिफरेंट लेवल का जो पासवर्ड है, जैसे कि ऑपरेटर का पासवर्ड अलग रहेगा, ऑपरेटर मेंटेनेंस वाला ऑपरेटर को भी एक्सेस कर पाएगा और खुद का पासवर्ड, लेट से मेंटेनेंस आएगा, मेंटेनेंस जैसे लॉग इन करेगा, मेंटेनेंस वाला स्टार्ट भी कर सकता है, काउंटर रिसेट भी कर सकता है, बट ऑपरेटर वाला स्टार्ट कर सकता है बट काउंटर रिसेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लेवल कैसे बनता है वो आज हम जाके डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी गेटिंग डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैंने बना बनाया हुआ कुछ स्क्रीन बना के रखा था, ये हमारा जो पुराने व्यूअर्स रहेंगे, या फिर मैं अपना डिस्क्रिप्शन वीडियो लिंक दे दूंगा कैसे हमने ये बनाया था, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक एट्सेट्रा, वो सब मैंने ऑलरेडी पुराने वीडियोज़ पर बनाया है। तो आज का वीडियो जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। तो एक चीज़ मैं बोलूँगा, ये वीडियो को कोई स्किप ना कीजिए, क्योंकि एक एक पॉइंट वीडियो एक एक सेकंड पे एक एक इन्फॉर्मेशन रुका हुआ है, तो मेक श्योर कि आप पूरा शुरू से एंड तक पूरा ध्यान से सुने और करें। सो आपको जब एचएमआई पे एचएमआई का प्रोजेक्ट एक्सपांड करोगे, उसके सबसे नीचे आपको दिखेगा यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन। सो यूज़र एडमिनिस्ट्रेशन को ओपन कीजिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, यूज़र क्या है, यूज़र ग्रुप क्या है, यहाँ पे यूज़र्स क्या है, ये ग्रुप्स क्या होते हैं और कौन सा ग्रुप को क्या अथोराइजेशन है, वो सब हमारा डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये पहले से एडमिनिस्ट्रेटर करके एक ऑलरेडी एक यूज़र है, ठीक है, और दो ग्रुप बनाया हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप एंड यूज़र ग्रुप। तो ये सिस्टम का बनाया हुआ है, मैं चाह के भी इसको डिलीट नहीं कर सकता, देख सकते हो मैं डिलीट करने का ट्राई कर रहा हूँ, इधर पे डिलीट का ऑप्शन ही नहीं है, ये ब्लैंक हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अपना यूज़र अपना ग्रुप बनाएंगे और अपना ही ऑथराइजेशन अलग अलग करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटर इधर से कुछ भी एक्सेस नहीं कर पाएगा, बट यूज़र क्या कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है। तो बेसिकली हम इस पर डिफरेंस पहले जानेंगे। तो ये यूज़र्स को आने से पहले यूज़र ग्रुप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम डायरेक्टली बिना सोचे समझे हम यूज़र ग्रुप पाएंगे। यूज़र ग्रुप पे आने के बाद ये ग्रुप से पहले भी हम ऑथराइजेशंस क्या क्या होते हैं वो चेक करेंगे। ऑथराइजेशन क्या होता है कि आप किस टाइप का काम, जैसे कि मैंने बोला था आपको, सुबह सुबह बंदा आएगा मोटर को स्टार्ट करेगा, तो कौन करेगा, ऑपरेटर। तो ये जो काम है ये नॉर्मल ऑपरेशन का है, करेक्ट ना? तो नॉर्मल ऑपरेशन है, तो ये बोलता है कि इसका नाम क्या देने वाले हम। मैं बोला कि इसका नाम है ऑपरेशन, और डिस्प्ले नेम क्या होगा, मतलब डिस्प्ले में जो एचएमआई में दिखेगा क्या दिखेगा, वो भी चलिए ऑपरेशन ही दे देते हैं, ठीक है। और ये नंबर होगा 4, क्योंकि 3 तो बाय डिफॉल्ट है ही, ठीक है ना। और इस पे हम कमेंट क्या लिखेंगे, ओनली सॉरी रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस फॉर ऑपरेटर, मीन्स ऑपरेटर इसको एक्सेस कर सकता है और ऑपरेटर और किसी को भी एक्सेस नहीं कर सकता, ऐसे मैंने कमेंट जस्ट लिख के छोड़ा है। आप ये कमेंट ना भी लिखो तो चलेगा। अभी मैं एक और एक्टिविटी, ऑथराइजेशन इन द सेंस क्या क्या चीज़ को कौन ऑथराइज कर रहा है, तो एक और ऑथराइजेशन मैं बनाता हूँ, लेट्स से इंजीनियर, या फिर मैं जैसे थोड़ी देर पहले बोला मेंटेनेंस पर्सनालिटी, ठीक है, मेंटेनेंस, ठीक है, मेंटेनेंस वाला, मैं ये जब एक्सेस करेगा तो मेंटेनेंस वाला
एक्सेस कर पाएगा इंजीनियर को। तो इस पे मैं क्या लिखूंगा, मेंटेनेंस एक्सेस ओनली। ठीक है, अभी अभी जैसे कि हर जगह में ऑपरेटर रहता है, इंजीनियर रहता है, उनसे भी एक बड़ा लेवल रहता है एडमिन या फिर मैनेजर लेट से। ठीक है, मैनेजर लेवल का हो या फिर प्लांट हेड हो गया, ठीक है ना, तो मतलब वो पूरा सबसे टॉप पे रहता है। उसका पासवर्ड ऑपरेटर को पता नहीं रहता है या इंजीनियर को पता नहीं रहता है, बट मैनेजर जब लॉग इन करेगा ना, जो जो ऑपरेटर और इंजीनियर कर पा रहा है ना, वो सब मैनेजर भी कर पाएगा। ठीक है, तो इसको लेट से हम दे देते हैं एडमिन लेवल का वर्क है ये। ठीक है, डिस्प्ले नेम दे दिया हमने एडमिन, बट बाहर दिखने के लिए क्या है, ये मैनेजर करके दिखेगा। तो ये ऑथराइजेशन आपको पता हो गया, मतलब आप इस पे क्या है, ऑल एक्सेस, मतलब मैनेजर को क्या हो जाएगा, सारे के सारे एक्सेस कर सकता है मैनेजर। ठीक है, तो ये तो हमने बना दिया वर्क, क्या क्या वर्क है। अभी हमने ग्रुप नहीं बनाया, ठीक है, ये खाली ऑथराइजेशन हो गया। तो अभी हम बनाएंगे ग्रुप्स, जैसे कि लेट्स से ऑपरेटर का एक पूरा ग्रुप है ना, तो ऑपरेटर का एक ग्रुप है, उसका नाम दे देंगे ऑपरेटर, है ना, और इसका ग्रुप का नाम क्या देंगे, ऑपरेटर। ठीक है, अभी वैसे ही नेक्स्ट क्या रहेगा, मेंटेनेंस ठीक है, इसका ग्रुप का नाम रहेगा मेंटेनेंस, और दूसरा क्या रहेगा, एडमिन, ठीक है ना, उसका नाम रहेगा एडमिन। तो बेसिकली जो डिस्प्ले नेम मतलब एचएमआई में दिखने वाला नेम है बेसिकली। तो अभी हम डिसाइड करेंगे कौन किसको कितना देख सकता है, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप है, ये जो सिस्टम का बना हुआ है, इस पर कुछ भी एक्सेस नहीं है, यूजर को ऑपरेट करके एक एक्सेस है, उससे हम ये तीनों यूज नहीं कर रहे। हमारा बनाया हुआ कहाँ से, जैसे बोला चार पाँच छः, जैसे कि अब देख सकते हो इधर ये तीनों अजीब सा थोड़ा ब्लैंक टाइप दिख रहा है, करेक्ट ना, तो हमारा चार पाँच छः। तो अभी हम ऊपर का दोनों यूज नहीं कर रहे, हमने बनाया यहाँ से। तो ऑपरेटर क्या क्या कर सकता है, ऑपरेटर कर सकता है ऑपरेशन ओनली, मतलब अगर कोई ऑपरेटर आया, अपना यूजर नेम और पासवर्ड उसको दिया गया होगा कि भाई तेरा ये ऑपरेटर, तेरा ये यूजर आईडी एंड पासवर्ड है, तो जब वो लॉग इन करेगा ना, वो खाली ऑपरेशन देख सकता है। बट मेंटेनेंस जैसे ही लॉग इन किया ना, तो मेंटेनेंस क्या कर सकता है, ऑपरेशन भी इंजीनियरिंग भी, मतलब वो सॉरी ये नाम है ना, इंजीनियरिंग लिख देते हैं, ठीक है ना, तो ऑपरेशन और इंजीनियरिंग दोनों कर सकता है कौन, मेंटेनेंस। बट एडमिन वाला क्या कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ऑपरेशन भी करेगा, इंजीनियरिंग भी करेगा, मैनेजमेंट भी करेगा। ठीक है, मैं जब ये एग्जाम्पल मैं लूंगा ना, आपको अच्छे से समझेगा। तो डोंट स्किप द वीडियो, जैसे कि मैंने बोला था, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ये स्टेप वापस रिपीट कर रहा हूँ। जैसे कि हमने पहले तीन फंक्शन हमने बना दिए कि कौन सा फंक्शन में क्या होने वाला है, ठीक है, अभी ऑपरेटर क्या कर सकता है, ऑपरेटर खाली ऑपरेशन कर सकता है, मेंटेनेंस वाला ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग दोनों कर सकता है, एडमिन वाला ऑपरेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट या फिर मैनेजर, जो मैनेजर का काम, तीनों कर सकता है। ठीक है, अभी क्या करेंगे, यूजर ग्रुप समझा कि कौन सा ऑपरेटर के जितने भी ग्रुप्स हैं, वो अगर पासवर्ड आईडी डालेगा तो ऑपरेशन कर पाएंगे, मेंटेनेंस का फुल ग्रुप ये कर पाएंगे, और एडमिन का ग्रुप सबको एक्सेस कर पाएंगे। अभी हम जाएंगे हमारा नेक्स्ट पड़ाव जिसपे है हमारा पासवर्ड। तो यूजर में क्या है, जब मैं यूजर लिखता हूँ इधर, जैसे कि मैंने बोला ऑपरेशन के लिए मैं क्या लिखूंगा, ओपी, यूजर आईडी एंड पासवर्ड बोलते हैं ना, ये एक्चुअल में यूजर आईडी एंड पासवर्ड है। तो यूजर आईडी ऑपरेटर लोगों के लिए ओपी है, और पासवर्ड लेट से मैं देता हूँ, सॉरी कैपिटल नहीं करते हैं, टाइप करने के लिए मुश्किल होगा, ठीक है, स्मॉल कर देता हूँ मैं, आप कैपिटल भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए स्मॉल कर रहा हूँ। OP 1 2 3 4 नाम देता हूँ, डोंट वरी, यहाँ पे स्टार दिखेगा बट बैकएंड पे आपका वो हो गया होगा, OP 1 2 3 4 दो बार दे देना है, कंफर्म करना है। ठीक है, अभी ये जो ऑपरेटर है किसको एक्सेस करेगा, ओनली ऑपरेटर को एक्सेस करेगा, मतलब हमने जो इधर लिखा था ऑपरेटर, ऑपरेटर का अंडर एक्सेस करेगा, मीन्स क्या होगा, जब ओपी और ओपी एट द रेट OP 1 2 3 4 में टाइप करूंगा तो किसको एक्सेस होगा, ऑपरेटर ग्रुप को। ठीक है, और ऑपरेटर ग्रुप क्या कर सकते हैं, इधर ऑपरेटर ग्रुप कर सकते हैं ऑपरेशन खाली। ठीक है, वैसा ही हम क्या करेंगे, मेंटेनेंस का लेट से हम लिख देंगे इसको MAINT, ठीक है, MAINT, और पासवर्ड क्या रखेंगे, MAINT 1 2 3 4, ठीक है, MAINT 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी मेंटेनेंस वाला जब कोई आएगा MAINT और MAINT 1 2 3 4 दबाएगा तो क्या होगा, वो ऑपरेटर मेंटेनेंस को डायरेक्ट एक्सेस करेगा, किसको, मेंटेनेंस,
MIINT और MIINT@1234 अगर डाल दिया तो मेंटेनेंस ग्रुप को वो एक्सेस कर लेगा। अगर मेंटेनेंस ग्रुप को एक्सेस किया तो क्या क्या ऑपरेशन कर सकता है, ऑपरेशन और इंजीनियरिंग दोनों, ठीक है। उसके बाद फाइनल बचा हमारा एडमिन, ठीक है। इसका पासवर्ड भी हम दे देते हैं, एडमिन 1234, एडमिन 1234, ठीक है। तो अभी जैसे कि एडमिन डाला और एडमिन 1234 डाला, तो मैं किसको एक्सेस करूंगा, ओनली एडमिन को, ठीक है। जैसे कि ओपी ऑपरेटर को किया, मेंटेनेंस मेंटेनेंस को किया, एडमिन एडमिन को किया। एडमिन का ग्रुप एक्सेस हो जाते ही क्या हो जाएगा, ये वाला ग्रुप एक्टिवेट हो जाएगा। और ये वाला ग्रुप एक्टिवेट हुआ तो मतलब अभी एडमिन ऑपरेशन इंजीनियरिंग मैनेजर सब सब टाइप का एक्शन कर सकता है, ठीक है। अभी हम जाते हैं स्क्रीन के तरफ, इस पे सबको समझ आ गया होगा, मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं वापस एक बार रिपीट करता हूँ। यहाँ पे ओपी दिया, ओपी 1234 किया तो ऑपरेटर का ग्रुप एक्सेस होगा, मेंटेनेंस किया तो मेंटेनेंस का ग्रुप एक्सेस होगा, ये आईडी और पासवर्ड दिया तो, और एडमिन का आईडी और पासवर्ड दिया तो एडमिन लेवल का ग्रुप एक्सेस होगा। अभी जैसे ऑपरेटर ग्रुप एक्सेस हुआ तो ऑपरेटर का ग्रुप के हिसाब से क्या क्या एक्सेस होगा, ऑपरेशन ओनली। मेंटेनेंस ग्रुप को एक्सेस किया तो मेंटेनेंस एक्सेस हुआ, मेंटेनेंस ग्रुप एक्सेस हुआ मतलब क्या क्या एक्सेस होगा, ऑपरेशन एंड इंजीनियरिंग, और एडमिन के टाइम पे तीनों, ऑपरेशन इंजीनियरिंग एंड मैनेजर तीनों हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूजर एडमिनिस्ट्रेटर का, जो मेन 80% आपका हो चुका है। अभी उसको आप कोई बटन्स या फिर कोई एनिमेशन या फिर कोई स्क्रीन को कैसे रेस्ट्रिक्ट करते हैं वो दिखाता हूँ। अभी जैसे कि ये स्टार्ट पुश बटन है, अभी कोई भी आके क्लिक कर रहा है इसका, मैं प्रॉपर्टी पे जाऊंगा, ठीक है। प्रॉपर्टीज पे गया, उसका सिक्योरिटी पे जाऊंगा, सिक्योरिटी पे मैंने क्या लिखूंगा कि इसको खाली कौन सा ऑथराइजेशन, मतलब किस टाइप का ऑपरेशन होना चाहिए, कि ऑपरेशन खाली, ठीक है ना। ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन मतलब अभी जैसे मैंने बोला कोई ओपी और ओपी 1234 करेगा तो डायरेक्ट ऑपरेशन को एक्सेस कर पाएगा, मैनेजर करेगा तो ऑपरेशन और इंजीनियरिंग दोनों कर पाएगा। मतलब क्या है, अभी इधर मैं जैसे ऑपरेशन सिलेक्ट कर दिया तो क्या होगा, जब मैं ऑपरेटर आएगा लॉग इन करेगा तो भी स्टार्ट पुश बटन दबा पाएगा, इंजीनियर आएगा लॉग इन पासवर्ड कर देगा तो इंजीनियर वो भी स्टार्ट पुश बटन दबाएगा, मेंटेनेंस भी आएगा तो मेंटेनेंस भी कर पाएगा। तो आप बोलोगे फिर इसका पासवर्ड देने का क्या मतलब है, क्योंकि ये तो बहुत लोअर लेवल का सिक्योरिटी हो गया। बट भाई अगर आपका कोई ऑपरेटर है ही नहीं, कोई झाड़ूदार अगर है आपका कंपनी में, वो भी आके तो लॉग इन नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसको ऑपरेटर का पासवर्ड भी पता नहीं है, करेक्ट। तो हर लेवल का पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। ये जैसे स्टार्ट पुश बटन हो गया, वैसे ही अभी जैसे कि ऑपरेटर चालू किया, स्टार्ट स्टॉप वगैरह किया, और ऑपरेटर कुछ प्रोडक्शन बनाया, लेट से उसका 150 प्रोडक्शन हुआ है, और वो क्या करना चाहे कि जाते जाते रिसेट कर दूंगा बोलेगा, तो हम तो रिसेट तो ऐसे आसान से दे नहीं सकते, तो ये रिसेट खाली कौन कर पाएगा, इसका भी प्रॉपर्टी पे हम दे देते हैं। इसको खाली मेंटेनेंस वाला, जो इंजीनियर वाले हैं वो खाली कर सकते हैं, जैसे कि इंजीनियरिंग, ठीक है। इंजीनियरिंग वाला खाली इसका काउंट रिसेट कर सकता है, जो कि है मेंटेनेंस पर्सन, ठीक है। अभी प्रॉपर्टीज पे जाता हूँ, ये थोड़ा गलत हो गया शायद, जी नहीं, ठीक है, ऑपरेशन, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया काउंटर रिसेट कौन कर पाएगा, खाली हमारा इंजीनियर ही काउंटर रिसेट कर पाएगा कि कितना प्रोडक्शन हुआ था, क्या था, जो भी चेंजेस है। अभी आपको एडमिन का मैं बाद में बताता हूँ क्या कर सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल इतना सिमुलेट करके देख लेते हैं। अभी देखिए स्टार्ट पुश बटन जैसे ही दबाता हूँ, मुझे ये क्या मांगा, यूजर नेम और पासवर्ड मांगा, करेक्ट। तो यूजर नेम पे मैं क्या दूंगा, ओ पी जैसे कि मैंने बोला था, और पासवर्ड में क्या दूंगा, ओ पी 1234। तो देखिए अब मैं अगर जब ओके करूंगा और स्टार्ट पुश बटन दबाऊंगा तो चालू हुआ, इससे पहले नहीं हो पा रहा था, करेक्ट ना। अभी क्या है, एक और सेटिंग आपको बोलना मैं भूल गया, ये जो यूजर एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कैसा है आपका, ये जो लॉग ऑफ है, लॉग ऑफ मतलब लॉग आउट होने का, ये ऑटोमेटिक लॉग ऑफ होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिक लॉग ऑफ कब होगा, ये सब 5-5 मिनट का टाइम दिया गया है कि 5 मिनट तक अगर कोई ऑपरेट नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है, हम एक बटन बटन देंगे, वो बटन को प्रेस किया तो डायरेक्ट लॉग आउट हो जाएंगे सारे। तो उससे पहले अभी एक और बार सिमुलेट पे मैं जाता हूँ। अभी जैसे कि ये काउंटर बढ़ाता गया, ठीक है ना, अभी मैं स्टार्ट पुश बटन कर पा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अभी मैं लॉग इन हूँ, 5 मिनट तक ऑपरेटर लॉग इन है, बट मैं काउंटर रिसेट कर पाया क्या,
नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमने क्या डिफाइन किया था कि इसको काउंटर रिसेट को कोई ऑपरेटर नहीं कर पाएगा, इसको खाली आपका मेंटेनेंस पर्सन कर पाएगा जो कि है इंजीनियर, है ना। तो जो इंजीनियर है इसको क्या करेगा, टाइप करना पड़ेगा उसको। इंजीनियर को एक्सेस कौन करने वाला, मेंटेनेंस वाले, है ना। उसका पासवर्ड हमने क्या दिया था, जैसे हम देखोगे आप देखोगे तो यूजर आईडी क्या दिया था, MAINT और MAINT@1234। तो MAINT एंड पासवर्ड रहेगा MAINT1234, ठीक है। ओके करूँगा, अभी काउंटर रिसेट करूँगा, देखिए 0 हो गया मेरा, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अभी तो इंजीनियर आके लॉग इन किया है, फिर भी देखिए स्टार्ट मैं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ऑपरेटर भी स्टार्ट कर सकता है, मेंटेनेंस वाला तो वैसे भी वो हायर पोजिशन में है ना, ही कैन एक्सेस टू एनी बॉडी। तो मेंटेनेंस वाले को मैंने क्या बोला कि आप स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हो, काउंटर रिसेट भी कर सकते हो। तो आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फिर एडमिन का काम क्या है। एडमिन का काम क्या है, अभी जैसे कि कोई पासवर्ड चेंज करना रहा, या फिर आपका कौन लॉग इन किया है, कौन लॉग आउट किया है, कौन सा मोटर को कितना देर घुमाना है, सेट पॉइंट हो गया, रेसिपी हो गया, वो सब सिलेक्शन आपका मेंटेनेंस ही करना, एडमिन बंदा ही कर पाना चाहिए। अभी बताता हूँ, वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अभी जैसे कि यूजर है, यूजर पे मैं क्या करता हूँ, ये लॉग इन का एक विजुअलाइज रख रहा हूँ। ये आपको KTP TP कोई भी HMI में ये मिल जाएगा। इस पर इसको बोलते हैं हमारा यूजर मैनेजर, नॉर्मली बोला जाता है, ठीक है। एक मिनट, अभी एक और बटन ले लेता हूँ मैं, इसका मैं टेक्स्ट हटा देता हूँ, थोड़ा एनिमेशन करता हूँ। प्रॉपर्टी पे जाके जनरल ग्राफिक, मैंने कुछ ग्राफिक्स लेके रखे हैं लॉग इन लॉग आउट के। ये लॉग इन ले लिया मैंने, ठीक है। इसका इवेंट्स पे, बटन का इवेंट्स पे जाऊंगा, प्रेस पे क्या करना है आपको, आपको अगर ढूंढने में नहीं मिल रहा है लॉग इन वगैरह कैसे हो रहा है, आप क्या करो, ऐसे जब एक्सपांड करोगे आप, एक्सपांड करने में क्या मिलेगा, एंड में यूजर एडमिनिस्ट्रेशन, उस पर मिलेगा 100 लॉग ऑन डायलॉग। इधर आप देखोगे 100 लॉग ऑन डायलॉग दिखेगा। 100 लॉग ऑन डायलॉग मतलब क्या है कि आप जब भी ये बटन बटन प्रेस करोगे, आपको क्या लॉग इन करना है, क्या लॉग आउट करना है, वो सब डिटेल आएगा। इसको थोड़ा सजा देते हैं, जैसे कि मैं इसका प्रॉपर्टी अपेयरेंस पे जाता हूँ और इसका कर देता हूँ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट। ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट कर दिया मैंने, बटन थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। वैसा ही इसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, इसके जैसा ही इसको रख देता हूँ लॉग आउट। प्रॉपर्टी पे जाता हूँ अगेन, इवेंट, ये जो 100 डायलॉग था इस पे लिख देता हूँ लॉग ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ रख दिया। और इसका भी इमेज चेंज कर देता हूँ मैं एक बारी, ये इमेजेस कुछ नहीं गूगल से मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लॉग इन लॉग आउट हो गया, तो मैं आइदर ये लॉग इन और लॉग आउट करूंगा तो होगा, नहीं तो लेट से मेरा ये स्क्रीन से, ये यूजर स्क्रीन से बाहर जाते ही लॉग आउट हो जाना चाहिए, तो वो सेटिंग भी हम कर सकते हैं, बट फिलहाल हम ये देखेंगे, ठीक है। अभी क्या होगा, मैं सिमुलेट करके चेक करता हूँ। ठीक है, अभी जैसे कि मैं स्टार्ट दबा रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है ना। तो अभी हम क्या किया, लेट से ओपी ओपी 1234, मैं डायरेक्ट कीबोर्ड से टाइप किया, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ तो हो पा रहा है। तो ये स्टार्ट पुश बटन हुआ। अभी ये स्क्रीन को जैसे ही जाता हूँ, इधर क्या दिखता है कि कौन यूजर यूज कर रहा है, अभी ग्रुप क्या है उसका, जैसे कि ऑपरेटर ग्रुप पे आपका राम श्याम, ऐसे बहुत सारे शिफ्ट में बहुत सारे ऑपरेटर हो सकते हैं। कितना टाइम पे ये लॉग ऑफ होने वाला है, 1 मिनट पे ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ऐसा वो लिख के दे रहा है। अभी इसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ, है ना, 5 मिनट 5 मिनट, या फिर 10 मिनट पे लॉग आउट चेंज हो जाए, ऐसे बोल रहा हूँ। तो और पासवर्ड में क्या है, आप न्यू पासवर्ड भी दे सकते हो, जैसे कि ओपी का मैं OP1 दिया, ठीक है, कंफर्मेशन ले लेता हूँ, OP1 एंटर किया, ओके किया, तो क्या हो गया, पासवर्ड हो गया अभी चेंज। तो आप देख सकते हो इसका कोई सिक्योरिटी देने का कोई रीज़न ही नहीं बनी ना, क्योंकि ऑपरेटर लॉगिन किया है और वो पासवर्ड वगैरह सब चेंज कर पा रहा है। तो अभी एक ऑपरेटर आएगा, 250 प्रोडक्शन निकलेगा और वो अपना पासवर्ड चेंज करके चला जाएगा, तो इट हैज़ टू बी रिस्ट्रिक्टेड।
तो ये जो स्क्रीन है, ये जो सेटिंग वाला स्क्रीन है, इसको हमको फुल्ली प्रोटेक्शन रखना है। इसको चाहे तो मैनेजर वाला भी, सॉरी इंजीनियर वाला जो मेंटेनेंस है वो भी चेंज नहीं कर सकता, आईडी और पासवर्ड को खास करके। करेक्ट, अभी मैं जैसे लॉग आउट दबा रहा हूँ, लॉग आउट हो गया, तो मैं लॉग इन कर सकता हूँ कभी भी, लॉग आउट कर सकता हूँ कभी भी। तो ऐसे एक्सेस हमको हर किसी को नहीं देना है, ऐसे जो बहुत रिस्की, ये सब क्या है, आईडी पासवर्ड क्या है, रिस्की एक्सेस है। करेक्ट ना, ये जो एक्सेस है ये एक्सेस बहुत लिमिटेड लोगों को देना चाहिए, जैसे कि हमारा मैनेजर हो गए। करेक्ट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हम क्या करेंगे अभी, जैसे कि मैंने ये बटन, ये जो टेम्पलेट सेटिंग वाला टेम्पलेट, ये टेम्पलेट पर रखा है, आप स्क्रीन मैनेजमेंट पे जाओगे तो मैंने वो बटन्स को टेम्पलेट पर रखा है, ठीक है ना। तो ये जो टेम्पलेट वाला बटन है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हर कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, इसको खाली करेगा मैनेजर। तो मैं वापस अपना ओल्ड पुराना मेथड सिक्योरिटी पे गया, सिक्योरिटी पे जाके मैं गया इसका मैनेजर पे, ठीक है। मैनेजर मीन्स एडमिन बेसिकली। तो मैनेजर का आईडी पासवर्ड क्या है, मैनेजर का आईडी पासवर्ड ये है कि एडमिन और admin@1234 हमने दिया था लास्ट टाइम, है ना। तो मैं अभी सेव करता हूँ। तो अभी आप देखिए, मैं अभी सेटिंग पे जाऊंगा ना, तो मुझे पहले से ही पूछेगा कि आप अपना लॉगिन और पासवर्ड दो। जैसे कि मैं अभी दूंगा, अभी लेट से ओपी, ठीक है, ओपी हो गया यूजर नेम, पासवर्ड दे दिया OP1234, एंटर, ओके करता हूँ। तो क्या बोला, इनवैलिड पासवर्ड, क्यों, क्योंकि हमने ये सेटिंग की कौन कर सकता है, ओनली मैनेजर। लेट से हम इंजीनियर से ट्राई करते हैं ना, इंजीनियर का क्या था, मेंटेनेंस, MAINT, MAINT 1234, ठीक है। तो अभी मेंटेनेंस भी किया तो भी वो एरर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्क्रीन को ओनली मैनेजर जा सकते हैं, और मैनेजर का क्या है आईडी हमारा, एडमिन, और पासवर्ड क्या है, admin1234, यूज नहीं किया है मैंने, ठीक है। अभी देखिए, अभी कोई एरर नहीं आया, अभी मैं सेटिंग दबाऊंगा तो आराम से सेटिंग वाला स्क्रीन पर जा पाया, क्योंकि अभी मैनेजर चाहे तो वो अपना ही पासवर्ड चेंज कर सकता है, नहीं तो वो अपना क्या बोलते हैं, अपना लॉगिन्स पे क्लिक करके कोई भी यूज़र का, अभी जैसे कि एडमिन यूज़र है ना, अभी उसको मैं बोलूँगा नहीं, ओपी का यूज़र पे जा, ओपी पे गया, है ना, OP1 करके उस पर भी गया, ओके किया, तो अभी ओपी का हो गया। तो यहाँ पे वो जो चाहे वो कर सकता है मैनेजर हमारा, पासवर्ड वगैरह जो चेंज है वो मैनेजर कर सकता है। तो ऐसे एक्सेस खाली मेंटेनेंस, ना मेंटेनेंस को, ना इंजीनियर को, ना ऑपरेटर को रहना चाहिए, ये खाली एडमिन लेवल का पर्सनालिटी एक्सेस कर सकता है, तो उसको ऐसे दे सकते हैं। तो ये था हमारा ओवरऑल टॉपिक, कैसे हमारा यूज़र पासवर्ड वगैरह काम करते हैं। अगर हम आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आप इसका पार्ट 2 वीडियो चाहते हैं, कोई एक्सटेंशन वीडियो चाहते हैं, इसका बारे में और क्लैरिफिकेशन आपको चाहिए, तो मैं वापस एक और वीडियो बनाऊंगा पार्ट 2 का। बट उससे पहले आप कमेंट पे डालिए कि आपको ये वीडियो सेकंड पार्ट पे चाहिए कि नहीं, सो दैट मैं और थोड़ा क्लैरिफिकेशन बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। बट आपका जो डेली यूज हो, या फिर आपका इंडस्ट्रियल यूज में जितना चाहिए उतना बेसिक मैंने बता चुका हूँ, ठीक है। और ये लॉगिन बटन है जो हमने बनाया था, हमने कि यूज़र मैनेजमेंट पूरा इस पर दिखेगा, डायलॉग, ओपन डायलॉग, और ये लॉग आउट है जिससे हमारा लॉग आउट हो जाता है सारे चीज़, ठीक है। अभी मैंने स्टॉप किया, अभी स्टार्ट करने के लिए जाऊंगा तो ये वापस पूछेगा क्योंकि हमने लॉग आउट कर दिया, नहीं तो वो ऑटोमेटिक 1 सेकंड या 5 सेकंड के बाद लॉग आउट हो जाएंगे। तो होपफुली आपको यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर का वीडियो पसंद आया होगा, कि कैसे हमारा यूज़र, कौन सा यूज़र क्या करते हैं, पासवर्ड कैसे चेंज होता है, कितने लेवल के यूज़र हो सकते हैं, पासवर्ड क्या क्या हो सकते हैं। तो आपको अगर कुछ भी डाउट हुआ, मैं भी ये वीडियो में पूरा क्लैरिटी नहीं हो पाया रहा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू।